तो ऐसा है ना दोस्त, ये नेक बैंड बोट की तरफ से आता है लेकिन हम नहीं, और ये नेक बैंड हम तभी सजेस्ट करेंगे बाय करने के लिए जब ये सेल में हो, क्योंकि सेल में ये 1000 रुपए के नीचे देखने को मिल जाता है, करीब 800 के आसपास। और हाँ, यहाँ पे रिव्यूज देखकर अमेज़न पर मत बाय कर लेना, क्योंकि वहाँ भाई बहुत सारे नेक बैंड मर्ज हैं, उनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं, करीब 2 लाख के आसपास रिव्यूज हैं इस नेक बैंड वाले पेज पर, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। फीचर्स तो टच वाले मिल ही जाते हैं, और टच वाला हाईलाइट से जो है आप इस नेक बैंड को मत लेना, क्योंकि यहाँ पर जो इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही तगड़ा है। हालांकि जो बेस लवर है ना वो थोड़ा सा दूर रहे, बोट का अगर सिग्नेचर साउंड आपने सुना होगा वहां वाला अगर बेस आपको पसंद है तो फिर जा सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि पावर्ड है डायरेक्ट वर्च्यू द्वारा। यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग लेवल का हो जाता है, और अंडर 1000 ना कोई भी इस तरह का साउंड प्रोवाइड नहीं कर पाता है दोस्त। और यही नहीं, बहुत सारे फीचर्स भी हैं इसमें, बस यहाँ पे एक कमी हमें लगी है, जो कि है डुअल पेयरिंग। डुअल पेयरिंग का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। अगर आप 2 डिवाइसेस यूज करते हो तो भाई आपको बार बार एक फोन का ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा दूसरे डिवाइस से पेयर करने के लिए, क्योंकि डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं है इसमें। बाकी गेमिंग मोड वगैरह और दुनिया भर की चीजें भर भर के हैं, चलो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये जो नेक बैंड है ये हमने अपने पैसों से बाय किया है, टोटली अनबायस्ड रिव्यू करने वाले हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है आप लोग वैसे भी आप लोग यूज करते हो हमारे चैनल का एफिलिएट लिंक, जिनसे कुछ पैसे जनरेट होते हैं दोस्त, और उन्हीं को इकट्ठा करके हम इस तरह के धांसू प्रोडक्ट आप तक लाते हैं और एक सच्चा और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा पाते हैं। फिर से बोल रहे हैं 1250-1300 के आसपास मिलता है ये, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 1000 के अंदर इसको आप बाय कर सको तो ये वन ऑफ द बेस्ट नेक बैंड रहेगा, नो डाउट, क्योंकि 1300 के आसपास रियलमी वायरलेस 3 Neo वगैरह मिल जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसका भी रिव्यू किया हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और सबसे पहले इनके लुक्स की बात कर लेते हैं। तो लुक्स नो डाउट दोस्त बढ़िया है, अच्छे हैं, बोट की ब्रांडिंग के साथ आते हैं। यहाँ पे फीलिंग भी आपको चीप वाली नहीं मिलेगी, बढ़िया फीलिंग है, तो ओवरऑल लुक्स हमें अच्छे लगे हैं। वहीं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले, वही नेक साइड वाला एरिया देख सकते हो, एकदम सिलिकन मटेरियल यूज किया गया है, सॉफ्ट वाला। वहीं पे जो है कैप्सूल जो है टोटली प्लास्टिक मटेरियल के हैं, लेकिन बढ़िया है, बटन्स है नहीं, टच मटेरियल अच्छा है, वायर की क्वालिटी भाई काफी सही है, जैसे आपको रियलमी वायरलेस 3 या फिर वन प्लस के नेकबैंड मिलते हैं वैसा ही सिलिकन यहाँ पे भी यूज किया गया है। वायर के ज्वाइंट्स आप देख सकते हो, क्योंकि बर्ड्स के पास तो हमें अच्छे लगे हैं, लेकिन जो नेकबैंड से निकल रहा है ना ठीक ठाक लग रहा है बस। बाकी इसके अलावा जो बर्ड्स है वही प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, इनमें आपको ईयर हुक्स देखने को मिलते हैं, और ईयर टिप्स मटेरियल काफी अच्छा लगा हमें, जैसे कि बोट के नेक बैंड 1000 के अंदर आते हैं, हमको पसंद नहीं आते उनके ईयर टिप्स, लेकिन इसका अच्छा है। वहीं पे जो मैग्नेटिक पावर है वो भी ठीक ठाक है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ भी देखने को मिलता है, यहीं से ऑन ऑफ होगा, ठीक है। वहीं कंफर्ट की अगर बात कर लें तो डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफी लाइट वेट ईयरबड्स हैं इनके, और काफी कंफर्टेबल नेक बैंड है, लेकिन अगर लेट कर तकिए में यूज करोगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि ईयरबड्स थोड़े से बड़े साइज के हैं। इन ईयर फिट इसका काफी अच्छा है, इन ईयर हुक्स देखने को मिल जाते हैं, तो भैया जॉगिंग रनिंग वगैरह सब में यूज कर सकते हो, और स्वेट रेजिस्टेंस के साथ आता है, यानी पसीने वसीने आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत पानी के छींटे बर्दाश्त कर सकता है। और ब्लूटूथ की अगर बात कर रहे तो 5.3 देखने को मिलता है, और जिसकी कनेक्टिविटी हमें भाई बहुत ही अच्छी लगी है, कनेक्टिविटी की यहाँ पे आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, बस डुअल पेयरिंग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑडियो कोडेक आपको यहाँ पे SBC और AAC देखने को मिल जाता है। मान लो अगर आपको 2 डिवाइसेस में यूज भी करना है इसको, तो भाई आप जब पहले फोन में इसको पेयर कर लेते हो ना, और मान लो दूसरे फोन पे पेयर करना है, तो आपको पहले फोन का जो है ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा, और इजिली आप दूसरे फोन से पेयर कर सकते हो, सो होने लगेगा। वही कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हो, यार अंडर 1000 बेस्ट है, कोई भी हमें यहाँ पे शिकायत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ANX टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिली जाती है बोट की, जो थोड़ा बहुत बाहर के एनवायरमेंट नॉइज को खत्म कर देता है। ओवरऑल 1000 अंदर बढ़िया है इसकी कॉलिंग, बाकी माइक टेस्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है बोट रॉकर्स 255 टच नेक बैंड से। आप लोग की इसकी माइक क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और हमें इसकी माइक क्वालिटी सही लगी है, जिस प्राइसिंग में आता है ना दोस्त काफी सही माइक क्वालिटी लेकर के आता है। बाकी यार इस तरह के वीडियोस बनाने में थोड़ी मेहनत लग जाती है, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना, नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोग को जो लोग इस टाइप के कॉन्टेंट देखते हो। भाई टच कंट्रोल्स वगैरह की अगर बात कर ले तो इसको अच्छे से समझना, बहुत लोग कहते हैं सही से वर्क नहीं करता। ये जो एरिया है वो आपका जब अप करोगे तो वॉल्यूम अप होगा, ऐसे स्लाइड करोगे तो वॉल्यूम डाउन होगा, इस तरफ करोगे तो प्रीवियस और इस तरफ नेक्स्ट, इस तरीके से ये वाला पैनल यूज होगा। इसके अलावा इसके क्या क्या यूज है ये भी देख लो, डबल टैप करके प्ले एंड पॉज करोगे, आंसर कर सकते हो कॉल को डबल टैप करके, और एंड भी कर सकते हो।
रिजेक्ट भी कर सकते हो कॉल यहाँ पे, अगर 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करोगे तो। ट्रिपल टैप करके आप बीस्ट मोड भी ऑन कर सकते हो, और इस वाले टच पैनल से आप स्पेशल ऑडियो ऑन कर सकते हो डबल टैप करके, और लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टच फीचर्स काम करते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे हम आपको मैनुअल में दिखा दे रहे हैं कैसे आपको इसको यूज करना है। वहीं इसके बैटरी बैकअप वगैरह की बात कर ले तो ब्रांड क्लेम करता है भाई 50% वॉल्यूम पर 10 मिनट में 10 घंटे का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलता है, और वहीं करीब 1 घंटे लग जाते हैं इसको फुल चार्ज होने में। और टोटल बैटरी बैकअप है इसका 30 आवर्स, जो कि हम बढ़िया कहेंगे यार 1000 रुपये के अंदर। और ये 50% वॉल्यूम पर सभी ब्रांड्स क्लेम करके बताते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कॉलिंग में सभी नेक बैंड्स की बैटरी बैकअप हाफ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा कॉलिंग करोगे तो लमसम 16 घंटे 17 घंटे के बैटरी बैकअप मिलेगा 50% वॉल्यूम पर। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना दोस्त। वहीं इसकी लो लेटेंसी एक्सपीरियंस की अगर बात करें ना दोस्त, कहीं पे भी हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है, फिर चाहे आप ऑफिस मीटिंग वगैरह करो, वीडियो कॉल करो, ऑनलाइन क्लासेस करो, सभी जगह इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही है। और अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर ले दोस्त, अराउंड 1000 या फिर अंडर 1000 40 ms की लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है ये नेक बैंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और आप एक बढ़िया गेमिंग कर ले जाओगे यहाँ पे। बाकी गेमिंग टेस्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यार इसके साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ पे भाई जो हाइलाइटेड फीचर है ना इनका स्पेशल ऑडियो वाला, जो कि डायरेक्ट वर्च्यू द्वारा पावर्ड है, आखिर उसकी साउंड क्वालिटी है कैसी? तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो, जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, वहाँ पे स्पेशल ऑडियो का इफेक्ट ज़्यादा बेहतरीन लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सराउंड एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि मूवीज़ वगैरह में बहुत ही बढ़िया लगता है हर किसी को। तो अगर आप मूवीज़ वगैरह बहुत देखते हो तो मज़ा आएगा इस नेक बैंड के साथ आपको। और ऐसा नहीं है कि जो इसका स्पेशल ऑडियो जो कि डायरेक्ट वर्च्यू द्वारा पावर्ड है वो आपको म्यूज़िक मज़ा नहीं देगा, म्यूज़िक में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम 1000 के अंदर जितने भी नेक बैंड्स आते हैं उनसे कंपैरिजन करें तो भाई इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन लगती है। आपको जो बैकग्राउंड साउंड है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो काफ़ी सही मिलते हैं इस सेगमेंट के सभी नेक बैंड से। और बोट का सिग्नेचर ऑडियो मिलता ही है, अगर वो आपको पसंद है, अगर 800-900 में आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं निकाल सकते हो साउंड को लेकर के। और जो बोट का सिग्नेचर साउंड है दोस्त, वहाँ पे आपको एक बढ़िया बेस, ठीक ठाक क्लैरिटी, बढ़िया वोकल्स वगैरह सब मिल जाते हैं और आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। तो यहाँ पे भाई बोट की तरफ से अंडर 1000 अगर आपको ये नेक बैंड मिल जाता है तो 2 साउंड मोड्स एक तरीके से आप समझ लो आपको मिल रहे हैं, तो अपने मूड के हिसाब से आप दोनों ही मोड का मजा ले सकते हो। और यहाँ पे फिर से बताया दोस्त, किसको बाय करना चाहिए नेक बैंड, जैसा कि हमने यहाँ पे प्राइस को लेकर के बताया कि अगर 1000 के अंदर आपको ये मिल जाता है तो नो डाउट आप बिंदास इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि जितनी भी चीजें इसमें मिलती हैं, चाहे वो टच फीचर्स ले लो, चाहे आप साउंड क्वालिटी ले लो, आप बीस्ट मोड की बात कर लो, फिर चाहे आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, बैटरी बैकअप हो गया, सब कुछ जो है आपको इसमें बेहतरीन मिलता है, जो कि अंडर 1000 किसी भी नेक बैंड को बीट कर सकता है। यहाँ पे लास्ट बात यही बोलेंगे दोस्त, अगर 1200-1300 बजट है तो Realme Wireless 3 Neo ले लेना, और अगर अंडर 1000 आपको एक बढ़िया नेक बैंड बाय करना है तो आपको ये सेल वगैरह में अंडर 1000 इजीली देखने को मिल जाता है, करीब 800 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्त हमने सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए बात रखी है अपनी, अगर फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कमेंट जवाब ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे सभी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं और सभी के समस्या वहीं दूर कर देते हैं। तो यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना है अगर नए हो तो, और हो सके तो चैनल का एफिलिएट लिंक जरूर यूज करना कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो, ताकि हम इस तरह के अनबायस्ड रिव्यू हमेशा आप तक ला सकें। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे अच्छे कॉन्टेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड